गुड मॉर्निंग एवरीवन। लास्ट क्लास में हम लोगों ने डेटा टाइप्स के अंदर थर्ड कैटेगरी दैट इज सीक्वेंस कवर किया था। किसी को उस कैटेगरी के अंदर कुछ भी कंफ्यूजन है, एसटीआर, लिस्ट, टपल या फिर रेंज? ऑल राइट, मूविंग ऑन विद द नेक्स्ट कैटेगरी। डेटा टाइप्स के अंदर हमारे पास में यहाँ पे एक स्पेसिफिक डेटा टाइप है, दैट इज सेट। अब आप सब लोगों ने मैथमेटिक्स के अंदर सेट एज अ चैप्टर पढ़ा है, तो वहां पे जो सेट होता है एग्जैक्टली में पाइथन के अंदर भी हमारे पास में वही सेट है जिसे एक डेटा टाइप के तौर पे ट्रीट किया गया है। अब अगर सिंपली हमें सेट को डिफाइन करना हो तो ये भी हमारे पास में एक तरीके का कलेक्शन है एलिमेंट्स का, लेकिन यहाँ पे जो एलिमेंट्स होते हैं उनका कोई स्पेसिफिक ऑर्डर नहीं होता है, इसलिए सेट को अनऑर्डर्ड कलेक्शन हम लोग कहते हैं। अब यहाँ पे इसका मतलब सिंपली इतना सा है कि जब मैं सेट को क्रिएट करूंगी और उसमें अलग अलग वैल्यूज इनपुट करूंगी, तो जिस ऑर्डर में, जिस सीक्वेंस में मैंने वैल्यूज को इनपुट किया है, जरूरी नहीं है कि सेट जब हमें आउटपुट डिस्प्ले करेगा तो वो उस सेम ऑर्डर को फॉलो करे, सेम सीक्वेंस को फॉलो करे, वो एलिमेंट्स की जो पोजिशन है उसको शफल कर देता है, तो इसलिए हम इसे अनऑर्डर्ड कलेक्शन कहते हैं। तो ये तो है इसका पहला पॉइंट। दूसरा जो पॉइंट है सेट का वो ये है कि ये कभी भी डुप्लीकेट एलिमेंट्स को एक्सेप्ट नहीं करता है, यानी कि अगर आपने किसी तरीके की डुप्लीकेट वैल्यू को इनपुट कर भी दिया है तो ये उस सेकेंड वैल्यू को डिस्कार्ड कर देगा और हमेशा अपने अंदर सिर्फ यूनिक वैल्यूज को ही स्टोर करेगा। अब मैथमेटिक्स के अंदर जब आपने इस चैप्टर को पढ़ा होगा तो वहां पे आपने यूनियन, इंटरसेक्शन जैसे कई तरीके के फंक्शंस, ऑपरेशंस परफॉर्म किए होंगे, तो आगे जाके जब हम सेट को इंडिविजुअली एज अ टॉपिक पढ़ेंगे तो वहां पे भी हमारे पास में सेम तरीके के फंक्शंस हैं जो हम सेट पे इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। और साथ साथ में हमारे पास में सेट को क्रिएट करने के लिए कुछ और तरीके भी होते हैं, तो वो भी हम वहीं सीखेंगे। आज मैं इसका सबसे सिंपल तरीका क्रिएट करना आपको बता रही हूँ। किसी भी टाइप के सेट को क्रिएट करने के लिए हमें काम में लेने होते हैं कर्ली ब्रेसेस, और कर्ली ब्रेसेस के अंदर हम कॉमा सेपरेटेड वैल्यूज को पास करते हैं एक सेट टाइप के वेरिएबल को क्रिएट करने के लिए। तो अब यहाँ पे मैंने वही इम्प्लीमेंट किया है, मैंने एक एस नाम का वेरिएबल क्रिएट किया है इक्वल्स टू कर्ली ब्रेसेस, और मैंने यहाँ पे 5 वैल्यूज को स्पेसिफाई किया है, दैट इज 10, 20, 30, 40 एंड 20। अब सिंपली अगर हमें इसकी सारी वैल्यूज को प्रिंट करवाना है तो हम वेरिएबल का नाम लिखेंगे और हमें सारी वैल्यूज मिलेगी एज अ आउटपुट। अब यहाँ पे आप नोट करिए कि जो 20 है वो मैंने 2 times लिखा था, लेकिन आउटपुट के अंदर इसने हमें एक ही बार 20 को डिस्प्ले किया है, तो इसने डुप्लीकेट वैल्यूज को ऑटोमेटिकली डिस्कार्ड कर दिया। दूसरी चीज, मैंने यहाँ पे एक स्पेसिफिक सीक्वेंस फॉलो किया था वैल्यूज को इनपुट करने के लिए, लेकिन आउटपुट के टाइम उस सीक्वेंस को फॉलो नहीं किया गया है, वैल्यूज की जो पोजीशन है वो शफल हो चुकी है। तो जब भी हमें मैथमेटिकल ऑपरेशंस परफॉर्म करवाने हैं जैसे कि इंटरसेक्शन और यूनियन होता है, या फिर अगर मैंने अपने प्रोग्राम के अंदर लिस्ट, टपल जैसे कलेक्शन बना रखे हैं और मुझे यूनिक वैल्यूज को निकालना है, तो वहां पर हम इस सेट टाइप को काम में लेते हैं। इस टाइप में, इस डेटा टाइप में किसी को कुछ भी कंफ्यूजन है? ऑलराइट, मूविंग फर्दर। अब यहाँ पे बिल्ट इन डेटा टाइप्स की कैटेगरी के अंदर जो हमारे पास में लास्ट डेटा टाइप है दैट इज डिक्शनरी। अब डिक्शनरी से पहले अगर हम ये कहें कि मुझे एक कलेक्शन क्रिएट करना है जहाँ पे मैं अलग अलग तरीके की इंफॉर्मेशन को स्टोर करवाना चाहती हूँ, तो कलेक्शन को क्रिएट करने के लिए हमारे पास में बहुत सारे टाइप्स हैं, राइट? हमारे पास में सेट है, लिस्ट है, टपल है और स्ट्रिंग भी, लेकिन मुझे मिक्स वैल्यूज चाहिए, मुझे सिंपली स्ट्रिंग को स्टोर नहीं करवाना, तो हम स्ट्रिंग को काम में नहीं लेंगे। अब यहाँ पे अगर मैं टपल को कलेक्शन के तौर पे काम में लूँ तो टपल क्या करेगा, वो मुझे उसको अपडेट नहीं करने देगा, हमेशा जो वैल्यू है उनको फिक्स कर देगा, तो यहाँ पे हम टपल को भी काम में नहीं लेते। तो बचे हमारे पास में 2 options कलेक्शन क्रिएट करने के, एक है लिस्ट और दूसरा है सेट। लेकिन अगर मुझे डुप्लीकेट वैल्यूज पे भी काम करवाना हो तो फिर सेट को यूज करना भी सही नहीं होगा, तो हमारे पास में लिस्ट बचा जिसे मैं कलेक्शन क्रिएट करने के लिए काम में ले सकती हूँ।
अब फॉर एग्जाम्पल मेरे पास में एक लिस्ट है जिसके अंदर मैंने आप सब लोगों के नेम्स को स्टोर कर रखा है, राइट, लिस्ट वन। और एक मेरे पास में लिस्ट टू है जिसके अंदर मैंने आप सब लोगों के कॉन्टेक्ट को स्टोर कर रखा है सीक्वेंस बाय सीक्वेंस। अब सपोज मेरे पास कोई एक एक स्टूडेंट है जिसके घर पे मुझे कोई इंफॉर्मेशन पास ऑन करवानी है, जैसे कि मैं आप लोगों को बता रही थी कि हम लोगों ने दो लिस्ट क्रिएट करी है आपके कॉन्टैक्ट्स और आपके नेम को स्टोर करवाने के लिए। अब सपोजेडली मुझे किसी स्टूडेंट के घर पे कुछ इंफॉर्मेशन को पास ऑन करवाना है तो मुझे कॉन्टैक्ट नंबर की रिक्वायरमेंट है, लेकिन लिस्ट जो है वो वैल्यूज को किस तरीके से स्टोर करता है, अलग अलग इंडेक्स पे स्टोर करता है। तो सबसे पहले तो मुझे स्टूडेंट का नाम सर्च करना पड़ेगा, यानी कि उसका कौन सा इंडेक्स है, किस इंडेक्स पे उसका नाम है। फिर उस इंडेक्स को यूज करके मैं सेकंड वाले लिस्ट में कॉन्टैक्ट नंबर को सर्च करूंगी और फिर जो इंफॉर्मेशन है उसको पास ऑन करूंगी। अब यहाँ पर अगर गलती से मैंने किसी का सीक्वेंस जो है वो थोड़ा सा चेंज कर दिया या मैंने किसी वैल्यू को स्किप कर दिया तो मेरा तो पूरा प्रोग्राम ही गलत हो जाएगा, जो काम मुझे करवाना था वो बिल्कुल भी सही तरीके से नहीं होगा। तो यहाँ पर जब हमें न्यूमेरिक इंडेक्सेस को लेके काम नहीं करवाना होता है, हम किसी और टाइप के इंडेक्स को यूज करके काम करवाना चाहते हैं, जैसे कि लिस्ट का एग्जांपल है। सिमिलरली हमारे पास में फोन बुक होता है, फोन बुक के अंदर क्या होता है, नेम्स लिखे होते हैं और नेम्स के आगे वहाँ पे कॉन्टैक्ट नंबर लिखे होते हैं। तो हम वहाँ पे क्या करते हैं, नंबर वाइज सर्चिंग नहीं करते, हम वहाँ पे नेम वाइज सर्चिंग करते हैं और उस नेम के आगे जो भी नेम नंबर लिखा हुआ होता है हम उसको काम में लेके अपना काम करवाते हैं, राइट। इसी तरीके से हम लोग करवाते हैं नेम को सर्च करवा के। तो अब वहाँ पे मैंने इंटीजर वाइज या मैंने न्यूमेरिक इंडेक्स वाइज सर्चिंग नहीं करी, मैंने वहां पे नेम वाइज यानी कि एक स्ट्रिंग इंडेक्स को यूज करके सर्चिंग इम्प्लीमेंट करी। तो जब भी हमें कुछ इस तरीके की वर्किंग करवानी होती है तो वहां पर हम डिक्शनरी एज अ टाइप काम में लेते हैं। अब यहाँ पे जो मैं स्ट्रिंग इंडेक्स कह रही हूँ वो कहलाता है की, और उस इंडेक्स पे जो एलिमेंट स्टोर किया हुआ है वो कहलाता है वैल्यू। तो डिक्शनरी जो हमारे पास में है वो एक तरीके का कलेक्शन है जिसके अंदर हम सारे डेटा को की और वैल्यू के पेयर के फॉर्म में स्टोर करवाते हैं। अब यहाँ पे ऐसा कोई फिक्स रूल नहीं है कि हमेशा जो इंडेक्सेस हैं वो स्ट्रिंग ही होंगे, आप चाहो तो इंटीजर इंडेक्सेस भी रख सकते हो, लेकिन जो सर्चिंग हमें करवानी होती है किसी एक वैल्यू के बेस पे किसी दूसरे से तो वहां पे डिक्शनरी हमारे पास में एक बेनिफिशियल ऑप्शन है। अब किसी भी टाइप की डिक्शनरी को अगर हमें क्रिएट करना है तो हमें कर्ली ब्रेसेस स्टार्ट करने हैं, कर्ली ब्रेसेस के अंदर ही हम सारी वैल्यूज को स्पेसिफाई करते हैं। जो भी हमारे पास में की वैल्यू के पेयर्स होते हैं वो कॉमा से सेपरेट करके लिखे जाते हैं और जो की और वैल्यू है उन्हें हम सेमी कोलन से सेपरेट करते हैं। अब यहाँ पर मैंने एक डी नेम की डिक्शनरी क्रिएट की है जिसके अंदर मैंने स्टूडेंट्स का रोल नंबर और उनका नाम स्टोर करवाया है। अब किसी का भी रोल नंबर कभी भी जीरो नहीं होता है तो इसलिए मैंने लिस्ट को काम में नहीं लिया है, मैंने यहाँ पे डिक्शनरी को काम में लिया है। तो अब यहाँ पे रोल नंबर वन की जो वैल्यू है दैट इज अमन, रोल नंबर टू की जो वैल्यू है दैट इज थ्री, सॉरी रोल नंबर टू की जो वैल्यू है दैट इज आलिया, रोल नंबर थ्री की जो वैल्यू है दैट इज हेमा एंड रोल नंबर फोर की जो वैल्यू है दैट इज राम। तो अब यहाँ पे हम स्पेसिफिकली इस वन को यूज करके अमन को प्रिंट करवा सकते हैं, टू को यूज करके आलिया को प्रिंट करवा सकते हैं। अभी इस एग्जाम्पल के अंदर मैंने जो पूरी डिक्शनरी क्रिएट करी है मैंने उसको ही एज अ आउटपुट प्रिंट करवाया है, तो यहाँ पे पूरी डिक्शनरी हमारे पास में प्रिंट हो गई। अब जैसे कि मैंने आपको फोन बुक वाला एग्जाम्पल बताया था तो मैंने यहाँ पे एक और डिक्शनरी क्रिएट करी है सेम डी नाम से। अब यहाँ पे मैंने स्टूडेंट्स के नेम स्टोर करवाए हैं और उनका रिस्पेक्टिव कॉन्टैक्ट नंबर स्टोर करवाया है। तो यहाँ पे मेरे पास में दो की है अमन एंड जिया और उनकी रिस्पेक्टिव वैल्यू है 2364 एंड 3587। तो अब हमें यहाँ पे दो लिस्ट को काम में लेने की जरूरत नहीं है, मैं डायरेक्टली अमन को यूज करके उसका कॉन्टैक्ट नंबर फेच कर सकती हूँ एंड सेम गोज फॉर जिया। तो अब यहाँ पे अगर किसी भी स्ट्रिंग इंडेक्स या फिर मैं ये कहूँ कि किसी भी की को यूज करके हमें उसकी वैल्यू को फेच करना होता है तो सिंपली हम यहाँ पे डिक्शनरी का नाम लिखते हैं, स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर हम लिखते हैं हमारी की का नाम। अब यहाँ पे क्योंकि हमारी जो की है वो स्ट्रिंग टाइप की है तो इसलिए मैंने इसे कोट्स में मेंशन किया है। अब यहाँ पे आपने जो की है
वो जिस केस में लिखी है, जिस तरीके से लिखी है, आपको उसी तरीके से प्रिंट करवाते टाइम मेंशन करनी है। अगर प्रिंटिंग करवाते टाइम आपने इस अमन का जो फर्स्ट लेटर है वो स्मॉल ए लिख दिया तो आपके पास में आएगी एरर, क्योंकि यहाँ पे जो कीज है वो केस सेंसिटिव चेकिंग करता है, हमारी लैंग्वेज ही इनफैक्ट केस सेंसिटिव है। तो जिस तरीके से आपने की लिखी है इनपुट करते टाइम, उसी तरीके से हम प्रिंट करवाते टाइम भी मेंशन करेंगे। तो अब डिक्शनरी डी नाम के डिक्शनरी के अंदर जो भी अमन नाम की की होगी उसकी रिस्पेक्टिव कॉन्टैक्ट नंबर हमारे पास में फेच होके आ जाएगा। तो हम इस तरीके से यहाँ पे कीज को काम में लेते हैं अलग अलग तरीके की वैल्यूज को स्टोर करवाने के लिए। अब यहाँ पे जो कीज होती है ये हमेशा यूनिक होती है, कभी भी दो सेम नेम की कीज हम नहीं रख सकते। वैल्यू अगर आप चाहो तो वैल्यू आप सेम रख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल जैसे हमारे कॉलेज के अंदर दो स्टूडेंट्स हैं, दोनों भाई हैं या दोनों बहनें हैं, तो कॉन्टैक्ट नंबर दोनों का सेम ही होगा लेकिन उनके नाम तो यूनिक है ना। तो एग्जैक्टली में बिल्कुल जो की होती है वो यूनिक होंगी, वैल्यूज कॉमन भी हो सकती है, अलग भी हो सकती है, और हम किसी भी टाइप की वैल्यू यहाँ पे स्टोर करवा सकते हैं। तो दैट वॉज डिक्शनरी डेटा टाइप। विद डिक्शनरी डेटा टाइप हमारा जो बिल्ट इन की कैटेगरी है वो ओवर हो गई है। इस डिक्शनरी में किसी को कुछ भी कंफ्यूजन है? नेक्स्ट जो हमारे पास में कैटेगरी है जो है यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स। अब मैंने स्टार्टिंग में भी आप लोग को कहा था कि यूजर डिफाइंड के अंदर हम क्लासेस और मॉड्यूल का कंसेप्ट कवर करेंगे जो कि आगे आने वाले सेशंस में आएगा वंस हम लोग सारा बेसिक वाला पार्ट कवर कर ले। तो विद डिक्शनरी हमारा जो डेटा टाइप्स का टॉपिक है फॉर द टाइम बीइंग वो ओवर हो गया है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक की तरफ, नेक्स्ट फंक्शन की तरफ जो कि है हमारा टाइप फंक्शन। अब यहाँ पे हमने अलग अलग तरीके के डेटा टाइप्स देखे हैं बिल्ट इन कैटेगरी के अंदर और हमने वेरिएबल को क्रिएट करना भी देख लिया। तो अब मेरे पास जो वेरिएबल है उसके अंदर मैंने किस टाइप की वैल्यू स्टोर करवा रखी है अगर मुझे ये पता लगाना है, या मेरे पास में बहुत सारी वैल्यूज है और मुझे ये पता लगाना है कि उन वैल्यूज का टाइप क्या है। तो किसी भी वैल्यू या किसी भी वेरिएबल का डेटा टाइप अगर हमें पता लगाना होता है तो पाइथन के अंदर हमारे पास में एक बिल्ट इन फंक्शन है दैट इज टाइप, जिसको यूज करके हम अलग अलग तरीके की वैल्यूज और वेरिएबल्स के टाइप के बारे में पता लगा सकते हैं। तब यहाँ पे मैंने एक ए नाम का वेरिएबल क्रिएट किया है जिसके अंदर मैंने 20 एज अ वैल्यू स्टोर करवाया है। अब मुझे इस ए का जो टाइप है, जो डेटा टाइप है वो पता लगाना है, तो सिंपली हम टाइप लिखेंगे और टाइप को हम ए एज अ आर्गुमेंट पास करेंगे। तो अब इस ए के अंदर जिस भी टाइप की वैल्यू स्टोर होगी हमारा ए भी उसी टाइप का होता है। तो यहाँ पे आप नोट करें कि जो आउटपुट है वो आ चुका है हमारा इंट, तो ए जो है हमारा वो इंटीजर टाइप का है। सिमिलरली मैंने नेक्स्ट स्टेटमेंट में सेम वेरिएबल को काम में लिया है लेकिन अब इसके अंदर मैंने एक स्ट्रिंग टाइप की वैल्यू असाइन करवाई है। तो जब हम इसका टाइप प्रिंट करवाएंगे तो यहाँ पे हमारे पास में चाहे कैरेक्टर हो या मल्टीपल कैरेक्टर्स हो उन सबको एक कैटेगरी के अंदर ही रेफर किया गया है दैट इज एसटीआर कैटेगरी। तो यहाँ पे हमें वही मिला है एज अ आउटपुट। सिमिलरली मैंने यहाँ पे सेम वेरिएबल को ही काम में लिया है ए वेरिएबल को लेकिन अब उसके अंदर मैंने एक कॉम्प्लेक्स टाइप की वैल्यू असाइन करवाई है दैट इज 3+5.7 ऑफ जे। अब अगर मुझे इसका भी टाइप पता लगाना है तो टाइप ऑफ ए, तो आउटपुट में हमें मिलेगा कॉम्प्लेक्स। अब यहाँ पे तो ये सारी वर्किंग मैंने वेरिएबल को यूज करके करी है। अगर आप चाहो तो आप टाइप फंक्शन के अंदर डायरेक्टली वैल्यूज भी पास कर सकते हो, जैसे कि मैंने यहाँ पे टाइप के अंदर ट्रू पास किया है। अब यहाँ पे इस ट्रू जो है उसे बूल कैटेगरी के अंदर कंसिडर किया गया है तो यहाँ पे हमारे पास में आउटपुट आया है बूल। तो किसी भी टाइप की वैल्यू या किसी भी टाइप के वेरिएबल का अगर हमें डेटा टाइप पता लगाना है तो हम पाइथन के अंदर काम में ले सकते हैं टाइप फंक्शन। Alright, moving on with the next part. Next जो हमारे पास में टॉपिक है that is type conversion. अब इस type conversion में हमारे पास में बहुत सारे functions हैं, लेकिन आज हम first three functions ही cover कर रहे हैं that is int, float and str. अब किसी एक type की value को अगर हमें किसी दूसरे type में convert करना हो तो वो कहलाता है हमारा type conversion या आप type casting भी इसे कह सकते हो। तो पाइथन के अंदर हमारे पास में बहुत सारे फंक्शंस हैं जिनको यूज करके हम एक वैल्यू को किसी दूसरी वैल्यू के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। सबसे पहला जो फंक्शन है हमारे पास में दैट इज इन।
अब किसी भी टाइप की वैल्यू हो, अब यहाँ पे जो टाइप मैं कह रही हूँ जिनको यूज करके हम इंट में कन्वर्ट कर सकते हैं, या तो आपके पास में बुलियन टाइप की वैल्यू होनी चाहिए, या फिर आपके पास में फ्लोट टाइप की वैल्यू होनी चाहिए, या फिर आपके पास में न्यूमेरिक स्ट्रिंग होना चाहिए। न्यूमेरिक स्ट्रिंग का मतलब हमने किसी नंबर को एक स्ट्रिंग के तौर पे असाइन करवा रखा है। इन्हीं टाइप की वैल्यूज को आप इंट में कन्वर्ट कर सकते हो। अगर आपने नॉर्मल कोई स्ट्रिंग लिखी है, नॉर्मल कोई टेक्स्ट लिखा है, फॉर एग्जाम्पल हेलो या अजमेर या राजस्थान, तो यहाँ पे ये इसकी ASCII वैल्यू जनरेट नहीं करेगा, आपके पास में आएगी एरर उस केस के अंदर। तो यहाँ पे हम बुलियन वैल्यू, फ्लोट वैल्यू या फिर न्यूमेरिक स्ट्रिंग अगर हमारे पास में है और इन सबको हमें इंटीजर टाइप की वैल्यू में कन्वर्ट करना है, तो वहां पे हम काम में लेते हैं इंट फंक्शन। अब यहाँ पे जो मैंने एग्जांपल्स लिए हैं उनमें मैंने सिर्फ वैल्यूज लिखी हैं, आप चाहो तो यहाँ पे वेरिएबल के नेम भी पास कर सकते हो। तो सबसे पहला जो मेरा एग्जाम्पल है दैट इज इंट, और इसके अंदर मैंने ट्रू एज अ वैल्यू पास करी है। अब पाइथन इंटरनली ट्रू को 1 फीड करता है और फॉल्स को 0, तो यहाँ पे जो इसकी इंटीजर वैल्यू हमारे पास में निकल के आएगी दैट इज 1। नेक्स्ट जो मेरा एग्जाम्पल है उसमें मैंने इंट फंक्शन के अंदर एक फ्लोटिंग वैल्यू पास करी है दैट इज 23.45, तो ये ऑटोमेटिकली इस फ्लोटिंग पॉइंट को डिस्कार्ड कर देगा और सिर्फ इंटीजर वाला पार्ट हमें फेच करके देगा। नेक्स्ट जो हमारे पास में एग्जाम्पल है इंट, और इस इंट के अंदर मैंने एक नंबर पास किया है दैट इज 245 कोट्स के अंदर। अब ये कम्प्लीटली न्यूमेरिक स्ट्रिंग है हमारे पास में, किसी भी तरीके का कोई कैरेक्टर नहीं है इसके अंदर, तो इसी वजह से ये ऑटोमेटिकली एक इंटीजर टाइप के अंदर कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे अगर इस 245 के बाद आपने कोई कैरेक्टर लिखा होता ए एच जेड तो भी आपके पास में एरर आएगी, और अगर आपने कोई सिंपल टेक्स्ट लिखा है तो भी एरर आएगी। सिर्फ न्यूमेरिक टाइप की स्ट्रिंग को ही ये इंटीजर में कन्वर्ट कर सकता है। मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट फंक्शन जो कि है हमारे पास में फ्लोट। अब हमारे पास में किसी भी टाइप की वैल्यू है और उसको अगर हमें फ्लोट के अंदर कन्वर्ट करना है तो वहां पे हमारे पास में फ्लोट फंक्शन अवेलेबल। अब यहाँ पे भी इंट की तरह हमारे पास में सेम ही चीजें हैं, या तो इंटीजर वैल्यू हो, या तो बुलियन वैल्यू हो, या फिर न्यूमेरिक स्ट्रिंग हो, ये उन्हीं को ही फ्लोटिंग पॉइंट के अंदर कन्वर्ट करेगा। तो अब यहाँ पे जो सबसे पहला मेरा एग्जाम्पल है, इस फ्लोट के अंदर मैंने 23 एज आर्ग्यूमेंट पास किया है, तो ये ऑटोमेटिकली 23 को फ्लोटिंग पॉइंट में कन्वर्ट कर देगा 0.0 ऐड करके। सिमिलरली जो नेक्स्ट एग्जाम्पल है इसके अंदर मैंने फॉल्स एज अ वैल्यू पास किया है। अब जो फॉल्स है वो इंटरनली एज अ 0 ट्रीट किया जाता है, तो 0.0 ऑटोमेटिकली हमारा आउटपुट बन जाएगा। नेक्स्ट एग्जाम्पल में मैंने 345 एज अ न्यूमेरिक स्ट्रिंग पास किया है, तो यहाँ पे 345.0 हमारे पास में आउटपुट आएगा फ्लोट फंक्शन को यूज करके। तो ये थे हमारे पास में फर्स्ट टू फंक्शंस टाइप कन्वर्जन के। आज का जो लास्ट फंक्शन हम कवर कर रहे हैं दैट इज STR। अब हमारे पास में किसी भी टाइप की वैल्यू हो, चाहे वो इंट टाइप की है, फ्लोट टाइप की है, बुलियन है, कॉम्प्लेक्स है, लिस्ट है, या फिर टपल है, हम इन सब को स्ट्रिंग टाइप में कन्वर्ट कर सकते हैं यूजिंग STR फंक्शन। तो यहाँ पे मैंने सबके एक एक एग्जाम्पल मेंशन किए हैं। सबसे पहला जो मेरा एग्जाम्पल है उसमें STR के अंदर मैंने सिंपली 23 एज अ आर्ग्यूमेंट पास किया है, तो आप लोग आउटपुट देख सकते हो। यहाँ पे स्ट्रिंग्स को हमेशा सिंगल कोट के अंदर डिस्प्ले किया जाता है, तो यहाँ पे 23 कोट्स के अंदर हमें मिला है एज अ आउटपुट। नेक्स्ट एग्जाम्पल के अंदर मैंने 34.5 आर्ग्यूमेंट पास किया है, तो इस STR फंक्शन ने इसे भी स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया है, और 34.5 अब हमारे पास में एक न्यूमेरिक टाइप की स्ट्रिंग बन चुकी है। नेक्स्ट यहाँ पे जो STR है, अब यहाँ पे जो ट्रू है वो इंट और फ्लोट के केस में जो है वो 0 और 1 इंटरप्रेट किया जाता है, लेकिन हम यहाँ पे 0 और 1 कैलकुलेट नहीं कर रहे, यहाँ पे हम स्ट्रिंग में कन्वर्जन कर रहे। तो आप जिस भी तरीके की वैल्यू पास करोगे, चाहे ट्रू हो या फॉल्स हो, ये उसे स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर देगा, 0 और 1 आउटपुट रिटर्न नहीं करेगा। तो इसलिए यहाँ पे जो ट्रू आर्ग्यूमेंट है उसे स्ट्रिंग के तौर पर कन्वर्ट कर दिया गया है। उसके अंदर मैंने कॉम्प्लेक्स एज अ वैल्यू पास किया है, तो इस STR फंक्शन ने इस कॉम्प्लेक्स को भी स्ट्रिंग बना दिया है। सेम गोज फॉर द लिस्ट एंड टपल। अब लिस्ट को क्रिएट करने के लिए हम स्क्वायर ब्रैकेट को काम में लेते हैं, तो मैंने स्क्वायर ब्रैकेट को यूज करके 3 वैल्यूज की लिस्ट क्रिएट करी है और मैंने उसे पास किया है STR फंक्शन को, तो इस लिस्ट को भी इस STR फंक्शन ने स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दिया है।
सेम गोज फॉर द टपल. टपल को क्रिएट करने के लिए हमें पैरेंथेसिस को काम में लेना होता है. यहाँ पे मैंने सेम वैल्यूज को काम में लिया है, तीन वैल्यूज को टपल को क्रिएट करने के लिए, और उसे str फंक्शन में पास किया है. अब ये जो str फंक्शन है ये इस टपल को भी स्ट्रिंग टाइप में कन्वर्ट कर देगा. तो हम यहाँ पे इतनी तरीके के वैल्यूज को काम में ले सकते हैं स्ट्रिंग टाइप में कन्वर्ट करने के लिए. सो दीज आर सम ऑफ द बेसिक फंक्शंस. इसके अलावा भी हमारे पास में और फंक्शंस है टाइप कन्वर्जन के अंदर, लेकिन वो हम नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे. अभी तक के फंक्शंस में किसी को कुछ भी कंफ्यूजन है, हमने तीन फंक्शंस पढ़े हैं इंट, फ्लोट एंड एसटीआर. किसी और को कोई कंफ्यूजन है गाइस सेट, डिक्शनरी, टाइप फंक्शन या फिर टाइप कन्वर्जन में? पहले आप लोग को रीनेम करके अपने करेक्ट नेम से आइए, उसके बाद में आपके क्वेश्चंस का आंसर दूंगी. प्लीज रीनेम योरसेल्फ. ऑलराइट गाइस, बाकी के जो भी फंक्शंस है वो फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे. थैंक यू सो मच एवरीवन.